नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, सीजी संतोषी डिसेशन लॉक समय आप सबके स्वागत है। आज लेके आऊँ संगवारी हो आप मन भर अचार की रेसिपी। अब ये अचार ला बनाता हूँ संगवारी हो मैं अदरक लहसुन हरा मिर्ची कच्चा हल्दी के। अभी खाए में बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी रहते और ठंड के ही मौसम में ज़्यादातर बनाते अदरक के अचार। तो वही कर ले हम यहाँ अदरक हरा मिर्ची लहसुन हल्दी एला में धूप में 1 घंटा भर सुखाए भर रख दे रहे हूँ। अच्छा से धो के काटे के बाद में अभी कर लें 1 चम्मच सौंफ या आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, 4 चम्मच सरसों दाना, 4 चम्मच नमक है और 100 ग्राम सरसों के तेल। अभी कर कढ़ाई गरम करे बार रख दे रही हूँ मैं। और कढ़ाई अच्छा से गरम हो गई, अभी एक डाल देता हूँ मसाला ला और सब ला एक साथ करके ही भून देता हूँ मैं। और गैस की आँच ला कम कर दे हूँ, बढ़िया से भून लेना है ला, अच्छे से खुशबू के आत लेला बढ़िया से भून लेना है। अदरक के अचार संगवारी बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी लगती और ठंड के मौसम में ही ज़्यादातर बनाते। और देख सकता हो ये जगह मसाला अच्छे से बढ़िया से भून गया, अभी अच्छे से खुशबू भी आती। मसाला भी बढ़िया से भुंज आ गई है, गैस ला कर दे हमें बंद। अवेला थाली में पलट लेता हूँ प्लेट में। अभी कर सा मंगा रही हूँ मैं छोटे से खलबत्ता में ही पीस ले था, मेला कूट ले था थोड़ा सा ही करके मैं छोटे वाले में ही कूट ले था। अभी करा देख सकते हो आप मना मसाला बढ़िया से कुटा गया है, वे हम यहाँ दरदरा कूटे हैं मसाला ला प्लेट में निकाल लेता हूँ। अभी करा फिर से मैं यहाँ कढ़ाई ला गरम करे बर रख दे हूँ गैस में। और कढ़ाई यहाँ गरम हो गई है, मैं डाल देता हूँ मैं सरसों के तेल जो 100 ग्राम ले हूँ, सब तेल ला डाल दे हम यहाँ में। तेल ला बढ़िया से अच्छा से गरम कर ले वो। अब एक करा तेल अच्छा से गरम हो गया, एक करा जो मसाला पीस के रखे रहे उन्होंने डाल दिया हम यहाँ। और मसाला ज़्यादा भुने की जरूरत नहीं संगवारी, काबर की मैं यहाँ पहले से ही ला सूखा भूजे हूँ तभी ही ला अच्छा से भून ले रही हूँ तो ज़्यादा भूजे नहीं लगे। एक कल संगवारी हो आप मन हींग भी ले सकते हो, पर मैं हींग नहीं डाले हूँ। अभी कण डाल दी हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाले हूँ काबर के तीखा नहीं रहा। अभी कर ली हूँ मैं 4 चम्मच नमक, नमक ला आप मन अपन हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब बढ़िया से मिक्स कर दे वो। अभी करा मैं यहाँ हरा मिर्ची ला डाल दे हम। आप मन चाहो तो संगवारी हो खाली अदरक के भी अचार बना सकते हो, हल्दी के भी खाली अचार बना सकते हो, मैं एक साथ ही बना दे हम। आप मन चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो अचार। अभी करा मैं गैस ला कर दे हम बंद। अभी करा हल्दी अदरक ला भी डाल देता हूँ, अदरक थोड़ा ज़्यादा है संगवारी हो, थोड़ा से ज़्यादा है, बाकी तीनों की मात्रा ही बराबर है। अब बढ़िया से ला मिला ले वो मसाला ला अच्छा से। ठंड के मौसम में संगवारी हो अदरक लहसुन तो खाना ही चाहिए, गर्म चीज़ है रे तो शरीर के लिए गर्माहट के लिए तो
अदरक लहसुन जरूरी है, तो अचार के रूप में आप मन खा सकता हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, पर जरूर बना के देखो आप मन। अभी कर मैं 5 टन नींबू ले रही हूँ, का रस निकाल ले हूँ, का रस में डाल देता हूँ अचार में। अभी कर अचार संगवारी हो जल्दी से बन जाते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे बनने में। आप मन 5-6 दिन के बाद मेला आप मन खा सकता हो, बहुत आसान तरीक़े से बन जाते। हमारे रेसिपी अच्छा लगा तो संगवारी हो आप मन ला तो हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, नया आ तो वीडियो ला पूरा देखे करो। अभी करा बढ़िया से मिक्स करे के बाद में अच्छा अच्छा ठंडा होए के बाद में करा मैं प्लास्टिक के डब्बा रेल अच्छा से साफ कर ले रही हूँ, पानी वानी अच्छा से सुखा के धूप में डब्बा ला और बाद ही अचार ला में डाल लेता। आप मन जाऊ तो मैं थोड़ा सा तेल और डाल सकता हूँ आप मन, हाँ ज़्यादा दिन अचार ला रखना होगी तो तेल डाले से अचार है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, ज़्यादा दिन तक चलते। अभी करा मैं डब्बा में भर देता हूँ, आप कांच के बर्नी में भी भर सकते हो आप मन। तो वीडियो अच्छा लगी संगवारी हुई तो एक लाइक कर दो जरूर आप मन। तो धन्यवाद संगवारी, वीडियो देखे बार।